हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बता रहे हैं कि कैपेसिटर देखने में कैसे होते हैं और कौन सा नॉन पोलराइज होता है, कौन सा पोलराइज कैपेसिटर होता है। प्लस यहाँ पर हमने आपको आपके लिए छोटे नॉन पोलराइज दो कैपेसिटर और रखे हुए हैं जो कि मोबाइल में यूज़ होते हैं। ये दोनों आप छोटे छोटे दो पॉइंट देख रहे हैं, ये भी कैपेसिटर ही हैं, ये मोबाइल में यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ जो नीचे वाली लिस्ट लाइन देख रहे हैं आप, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं। ऊपर वाली लाइन में ये पोलराइज कैपेसिटर हैं। पोलराइज कैपेसिटर क्या होते हैं? इसमें एक्चुअली में प्लस और माइनस की पॉइंट टांगे होती हैं, जिन्हें हम पॉइंट कहते हैं। जबकि नॉन पोलराइज कैपेसिटर में आप इस कैपेसिटर को किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। तो आपने इसमें देखा कि पोलराइज कैपेसिटर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर किस तरीके से दिखते हैं, पोलराइज कैपेसिटर किस तरीके से दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं वो भी पोलराइज कैपेसिटर की तरह दिख सकते हैं, यानी कि उनका शेप जो है वो इस सिलेंडर की आकार का हो सकता है, पतले भी हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी होते हैं। तो कभी इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना रहें कि जो पोलराइज कैपेसिटर हैं वो इसी शेप में आते हैं। पोलराइज कैपेसिटर के और भी कई सारे शेप होते हैं जो मैं अभी आपको और भी दिखा सकता हूँ किसी सर्किट में लगे हुए। चलिए देखता हूँ एक मिनट में यहाँ पर और कहीं पर ही मुझे कुछ पोलराइज कैपेसिटर मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर कुछ और पोलराइज कैपेसिटर अपने यहाँ पर मिल गए हैं। देखिए, एक ये कैपेसिटर है, ये सिल्वर की केसिंग में आ रहा है। ये कैपेसिटर मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगता है, और भी जगह पर आपको दिख सकता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड में कुछ कलर किया हुआ है ब्लू सा, तो एक्चुअली में ये इसका निगेटिव पॉइंट बता रहा है इस साइड का। चलिए मैं और आपको दिखाता हूँ एक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कुछ पोलराइज ही है, और भी कैपेसिटर हैं मेरे पास। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, एक कैपेसिटर मेरे पास यहाँ पर है, ये एक्चुअली में पोलराइज ही कैपेसिटर है, लेकिन ये आप कैपेसिटर को फिजिकली फाइंडिंग में भी पता लगा सकते हैं कि ये कैपेसिटर ख़राब है। तो इसमें एक हमारा फिजिकल टेस्टिंग होती है, उसमें हम कैपेसिटर को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है। ये सर्किट में लगे लगे ही पता लग सकता है अगर आप इसको गौर से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्टिंग में हमने देखा था कि कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं सर्किट में लगे लगे ही। अगर आप इस कैपेसिटर को गौर से देखेंगे तो ये देखिए, ऊपर वाली साइड में ये कैपेसिटर लीक हो गया है, या इसको हम कहें कि ये यहाँ पर फट गया है। प्लस चूँकि हम ऊपर वाली साइड आसानी से देख सकते हैं, नीचे वाली साइड भी यहाँ पर फूली हुई सी नज़र आ रही है। तो आपको फिजिकल टेस्टिंग में ये पता लग सकता है कि हमारा ये कैपेसिटर ख़राब हो गया है, और हम इसको आसानी से पहचान कर चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कैपेसिटर नीचे की तरफ से लीक हो जाता है और हमें ऊपर से फिजिकल टेस्टिंग में दिखता ही नहीं है कि ये कैपेसिटर लीक हो गया है। उस कंडीशन में हमारे कैपेसिटर की जो पावर है वो सारी लीक हो जाती है और हमारा सर्किट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे कि हमें उस डिवाइस के ऑपरेशन में, यानी कि डिवाइस को ऑपरेट होने में परेशानी होती है। जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर का SMPS है, अगर उसमें ये कैपेसिटर लगा है और वो लीक हो गया है, तो जब हमारी लाइट चली जाती है तो CPU को जो सप्लाई आ रही है हमारी SMPS पे, वो UPS से जब यहाँ पर CPU SMPS तक आ रही है, उस बीच में जो ये कभी कभी पावर लीक हो जाती है कैपेसिटर की वजह से, तो हमारा कंप्यूटर अनएक्सपेक्टेडली पावर की वजह से शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये प्राइम जो
टारगेट होता है वो होता है हमारा कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी उस पावर को कंटिन्यू बना कर रखती है कुछ मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के लिए, जिससे कि हमारे प्रोसेसर को कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहे। अगर ये लीक हो जाता है तो हमारी जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारी डिवाइस बीच में कंप्यूटर बंद भी हो सकता है। तो इस फिज़िकल टेस्टिंग से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट ठीक है या ख़राब है। अगर फिर भी हमारा नहीं हो पा रहा है तो हमें सारे उस सर्किट में जहाँ पर ये पावर का रिलेटेड सर्किट है उस जगह के सारे ही कैपेसिटर हमें चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा वो डिवाइस दोबारा से प्रॉपर काम करेगी। और यदि आपको मेरी इस वीडियो में कहीं पर कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें।